नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24x7 और मैं आपके साथ फहिमा। जयनगर से पिंटू कुमार पांडे की रिपोर्ट। धनबाद गया रेलखंड के बीच बसा परसाबाद रेलवे स्टेशन आजादी के कई वर्षों बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आपको बताते चले कि आज देश आजाद हुए लगभग 74 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु प्रशासन की उपेक्षा का पात्र बना हुआ है प्रखंड के परसाबाद रेलवे स्टेशन, जहां यात्री सुविधा का घोर अभाव है। गौरतलब है कि परसाबाद रेलवे स्टेशन में शौचालय का निर्माण करवाया गया है, परंतु पानी का अभाव के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मालूम हो कि परसाबाद रेलवे स्टेशन से प्रत्येक वर्ष सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व दिया जाता है। वहीं झामुमो के वरीय नेता राजकुमार पासवान ने बताया कि स्थानीय सांसद विधायक भाजपा के हैं, उसके बाद भी परसाबाद रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधा के नाम पर ठेंगा दिखाने का काम किया गया है। वहीं परसाबाद निवासी बुद्धिजीवी मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोविंद प्रसाद बिहारी ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत की गई, परंतु रेल प्रशासन के कानों में जू तक ना रेंगी। आपको बता दें कि यात्री के ठहराव की मांग को लेकर यहां के प्रतिनिधियों के द्वारा रेल चक्का जाम भी किया गया, परंतु इसके बावजूद भी रेल प्रशासन की ओर से कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया। अभी आप परसाबाद रेलवे स्टेशन में हैं और यहां के असुविधाओं के बारे में जानकारी दिया, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह की सुविधा परसाबाद रेलवे स्टेशन में है? आज़ादी के वर्षों बाद भी यह परसाबाद स्टेशन जो है मूलभूत सुविधाओं से बहुत वर्षों दूर है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा राजस्व का यहाँ की जनता देती है, इस इलाके की देती है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ट्रेन का अभाव है, लेकिन बहुत सारे रात में ट्रेन यहाँ पर रुकती है, ठहराव होती है। और यहाँ पर जो है कि ना तो शौचालय का व्यवस्था है, ना तो देखेंगे कि पंखा चल रहा है, और जो है कि शौचालय बनकर तैयार है, लेकिन इसमें पानी का सुविधा घोर अभाव है। हम रेल प्रशासन से कहना चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन किराए बढ़ते हैं, लेकिन लोगों का सुविधा नहीं मिल पाता है। इसलिए कितने बार जो है यहाँ पर जो है कि ट्रेनों के ठहराव को लेकर भी यहाँ पर जन प्रशासन को अभी तक कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इसलिए हम मांग करते हैं कि यहाँ पर सुविधाओं का जो है कि व्यवस्था किया जाए, क्योंकि ये दो जिलों से जोड़ती है स्टेशन, और दर्जनों गांव के लोग यहाँ आवागमन करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Watching our voice news for daily news updates, and do follow, like and share this video. Thank you.